हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग भगवान शिव जी के गुणगान के ऊपर बात कर रहे थे कि भगवान शिव जी कितने महान हैं। वो समस्त वैष्णवों के गुरु हैं, वो वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं। महादेव, महादेव यानी भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना। इतना पावरफुल है कि समस्त भौतिक संसार वो नष्ट कर सकते हैं। इतना पावरफुल है। लोग पावरफुल होते हैं तो क्या धमकी देते हैं कि आपको पता नहीं है मेरे पिता कौन है। इतना पावरफुल है कि आपका नौकरी चली जाएगी, तो नौकरी चली जाएगी मतलब उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। यानी पावर का इस्तेमाल दूसरों को डिस्ट्रॉय करने में वो कर सकते हैं, तो उसको पावरफुल माना गया है ना यहाँ पे। तो ऐसे ही कंस्ट्रक्टिव वे भी पावरफुल होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री इतना पावरफुल है कि रातों रात 1,500 का और 500 का नोट जो था पुराना सब बंद करवा दिया, तो उसको पावर कहते हैं। ये तो मनुष्य का पावर है, लेकिन भगवान शिव जी का जो पावर है वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दुर्गा देवी जिनकी पत्नी है, दुर्गा देवी कितनी पावरफुल है। फिर भी पावरफुल होने के साथ साथ भगवान शिव बहुत ही सहनशील है। अगर असुरों को पावर आ जाता है, आसुरिक व्यक्ति को, तो क्या करते हैं, उस पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों के ऊपर रहकर दूसरों के ऊपर राज करने के लिए पावर का इस्तेमाल करते हैं और उनको सताते हैं। जैसे कि रावण है, कंस है, पावर था तो उन्होंने बहुत सारे गलत कार्य किया। रावण ने कई सारे स्त्रियों का बलात्कार किया, लोग बोलते हैं ऐसा, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो फेसबुक इंस्टा इन सब में वो लोग शेयर करते हैं कि रावण तो बहुत सज्जन पुरुष थे, कि वो बहुत विद्वान थे। हाँ विद्वान तो वो थे, लेकिन जो वो बोलते हैं कि उन्होंने सीता मैया को ले गए और टच भी नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो टच नहीं कर सकते थे। सीता मैया इतनी पावरफुल है पहली बात, और दूसरी बात थी कि उनको श्राप मिला हुआ है नल कुबेर से, क्योंकि उनकी जो पत्नी है रंभा, जो कुबेर की बहू है, तो रावण की भी बहू हुई ना, कुबेर और रावण भाई भाई है, तो उन्होंने बलात्कार किया, और जिसके कारण रंभा बोलती रही कि मैं आपकी बहू हूँ, बहू जैसी हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। फिर भी रावण, क्योंकि रावण को जो सुंदर लगे उनके साथ ही वो कुकार्य करता था, तो फिर उनके पति ने उनको अभिशाप दिया कि आगे से कोई भी स्त्री को अगर तुमने जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की विदाउट द कंसेंट, मतलब उस स्त्री की इच्छा के बिना, तो आपका जो 10 सर है ना, 10ों के 10 सर जो है टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ऐसे श्राप दिया, और श्राप बहुत पावरफुल होता है, तो इसलिए रावण कभी भी उसके बाद किसी स्त्री को बलात्कार नहीं कर सकते थे, पहले उन्होंने किया था। तो इसलिए ऐसा नहीं कि रावण बहुत सज्जन पुरुष है, लेकिन आसुरिक व्यक्ति थे, और आसुरिक व्यक्ति अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हिरण्यकशिपु है, हिरण्याक्ष है, हिरण्याक्ष के पास इतना पावर था, तो वो मतलब ज़्यादा पावर है तो खुजली होती है कि कहाँ किसको मारूँ, लाइक दैट। तो समुद्र में ही घुसा मारने लग गए, तो सुनामी आ गया, कितने लोग मर गए। तो ऐसा पावर आने पर आसुरिक व्यक्ति जो है उसको सहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन महादेव जो है भगवान शिव जी, क्योंकि वो वैष्णव है और बहुत ही शांत है एक्चुअली वो, क्योंकि वो आत्मा राम है, उनका मन हमेशा भगवान कृष्ण में, भगवान राम कृष्ण एक ही बात है, तो उनके ध्यान में ही वो हमेशा रमते रहते हैं। वो हमेशा भागवत कथा, कृष्ण की कथा, राम की कथा, यही पार्वती मैया को बोलते रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, शिव जी ने एक्चुअली विवाह किया किया है सती सती देवी को। तो सती देवी के पिता का नाम है दक्ष, वो दक्ष की पुत्री थी, लेकिन दक्ष को ये पसंद नहीं था कि शिव जी से क्यों विवाह किया, जिसके पास ना घर है, क्या पहनते हैं वो, भस्म लगाते हैं और हमेशा ध्यानरत रहते हैं, और तो उनको अच्छा नहीं लगा कि सती देवी ने उनसे विवाह किया। लेकिन सती देवी को दक्ष महाराज का जो बातें हैं वो उनको नहीं सुनना था, क्योंकि वो शिव जी का
शिव जी की जो महानता है वो जानती थी, तो उनको शिव जी ही पति के रूप में चाहिए था। लेकिन दक्ष से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया इस बात से। ठीक है, कोई बात नहीं, पर एक बार एक यज्ञ हुआ था तो उसमें शिव जी भी आए हुए थे, तो शिव जी खड़े नहीं हुए थे उनके सम्मान में, ब्रह्मा जी भी खड़े नहीं हुए, शिव जी भी खड़े नहीं हुए। अब ब्रह्मा तो दक्ष के पिता है, लेकिन शिव जी दामाद है तो खड़े होना चाहिए, लेकिन प्रजापति है दक्ष और शिव जी है शिव तत्व, इस हिसाब से शिव जी का पोजिशन दक्ष से बड़ा है। लेकिन शिव जी इसलिए नहीं खड़े हुए कि मैं बड़ा पोजिशन हूँ, शिव जी में जरा सा भी अहंकार नहीं है। भगवान के भक्तों में अहंकार नहीं होता है और भगवान को पसंद नहीं है, अगर अहंकार होता है तो भगवान अहंकार तोड़ देते हैं। तो वो इसलिए नहीं खड़े हुए थे क्योंकि निरंतर वो भगवान कृष्ण पर मेडिटेट करते हैं और इसीलिए वो खड़े नहीं हुए थे। उन्होंने सती मैया को बोला भी था कि जब दूसरा कोई प्रोग्राम था दक्ष महाराज के घर और सारे देवी देवताओं को सबको निमंत्रण किया था, पर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया था, फिर भी अपने मायका जाने के लिए, माता को मिलने, पिता को मिलने और बहनों को मिलने के लिए सती देवी बहुत उनको मन कर रहा था कि वो बोल रहे थे शिव जी को कि घर के लोग नहीं भी बुलाए तो भी उनके फंक्शन में हम जा सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। तो शिव जी ने कहा हाँ हाँ जा सकते हैं, लेकिन अगर उनके हृदय में आपके प्रति आदर हो तब, लेकिन आपके पिता का मेरे प्रति बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, बहुत द्वेष रखते हैं, और क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो इसलिए तुम्हें वहाँ आदर नहीं मिलेगा, और अपने प्रियजनों से जो रिजेक्शन है ये तुम सहन नहीं कर पाओगे, इट्स इक्वल टू डेथ, मृत्यु के समान है, ऐसे बोला। तो जब ऐसे बोला तो सती मैया को लेकिन अच्छा नहीं लगा, उनको जाना ही जाना था अपने दक्ष पिता के घर, तो वो चली गई थी। तो वो क्या देखती है कि उनका तो कोई पिता ने बात नहीं किया, ना उनका आदर किया, और शिव जी के लिए भी कोई, जैसे देवताओं के लिए यज्ञ का भाग चढ़ाया जाता है, शिव जी के लिए कोई भाग भी नहीं रखा है। तो सती मैया को बहुत गुस्सा आएगी, अरे आप लोगों को पता नहीं शिव जी का क्या पोजिशन है। तो उस समय जब इससे पहले का जो हम स्टोरी बोल रहे थे कि दक्ष महाराज की सभा में शिव जी नहीं उठे, इस बात पर शिव जी इसलिए नहीं उठे, तब शिव जी कहते हैं सती मैया से, मैं क्योंकि भगवान में मेडिटेट कर रहा था, और हम जब भगवान में ध्यान लगाते हैं हमारा ध्यान कब भगवान में समाधि में बदल जाता है हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन मैं इनोसेंट होने के बावजूद भी आपके पिता ने मुझे श्राप दिया और बहुत बुरा भला जो है बोला। तो उस केस में दक्ष ने बहुत कर्ज दिया, बहुत बुरा बुरा बोला, अगर आप भागवतम पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा इतना बुरा बुरा बोला, जैसे शिशुपाल ने कृष्ण के लिए बोला, दक्ष ने शिव जी के लिए बोला। तो शिव जी ने सब कुछ सहन किया और बाद में क्या हुआ, दक्ष चले गए वहां से, शिव जी ने सहन किया, बैठे रहे। बाद में शिव जी के पक्ष के जो गण थे और दक्ष के साइड के जो लोग थे उनके बीच में लड़ाई हो गई, एक दूसरे को श्राप देने लगे, तो शिव जी को यह अच्छा नहीं लगा, तो उन लोगों को रोकने के लिए शिव जी ने वो स्थान छोड़ दिया। उनको क्यों रोकना था, क्योंकि वो लोग अननेसेसरीली कर्ज दे रहे थे, श्राप दे रहे थे, उसमें कोई भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं छुपा हुआ था, इसलिए भगवान शिव जी वो जगह छोड़ देते हैं। तो ये श्लोक है भागवतम 4th canto 2nd chapter श्लोक नंबर 33। मैत्रेय वाचा तस्यैवं वदतः शापं भृगुः सा भगवान् भवः निचक्रामात् ततः किञ्चित् वीमना इव सानुगः। When such cursing and counter cursing was going on between Lord Shiva's followers and the parties of Daksha and Bhrigu, Lord Shiva become very morose. Morose का मतलब होता है उदास हो जाना। Not saying anything, he left the arena of the sacrifice followed by his disciples. तो कहने का मतलब है कि भगवान शिव जी ने देखा कि ये जो मेरे साइड के गण हैं और दक्ष और भृगु मुनि के साइड के गण हैं वो आपस में वृथा ही लड़ रहे हैं, क्योंकि इससे किसी का लाभ नहीं होगा, कोई भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे। भक्त हमेशा क्या देखते हैं कि
कि मेरे जो कार्य है, मैं जो कर रहा हूँ, इससे क्या भगवान प्रसन्न होंगे? क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे तो हम भगवान की भक्ति में प्रगति करते हैं। जैसे मेटेरियली कोई प्रगति करते हैं तो बहुत पैसा कमाते हैं ना, नाम कमाते हैं, तो ऐसे स्पिरिचुअली कोई प्रगति करते हैं भक्ति में तो उनको क्या लाभ होता है? वो वैकुंठ जगत में प्रवेश पाते हैं, वो बूढ़े नहीं होते हैं, ना वो मरते हैं बार बार, ना उनका कोई जन्म होता है, ना उनका कोई बीमारी होती है, ना वहाँ पे वैकुंठ जगत में ना डिप्रेशन है, ना फ्रस्ट्रेशन है, आनंद ही आनंद है। इसलिए हर व्यक्ति को वहाँ जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो भगवान शिव जी हर चीज़ को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर लाकर देखते हैं कि ये जो श्राप दे रहे थे, शिव जी का अपमान किया दक्ष ने, इसलिए तो इससे किसी को लाभ नहीं होने वाला था, तो उन्होंने उस सिचुएशन को सहन किया और वहां से निकल गए। और भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय होते हैं। किसी ने अगर शिव भक्ति की है और इसीलिए उनको कृष्ण भक्ति मिला भी है, तो शिव जी गुरु है ना, गुरु कृष्ण तक पहुंचा देते हैं। श्लोक नंबर 4.24.28, यः परं ब्रह्म सः साक्षात् त्रिगुणाजीवसंगितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः सा प्रियो हि मे। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम की 4th कैंटो से है। तो इस श्लोक में भगवान शिव जी प्रचेता लोगों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, एनी पर्सन हु इज सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा, द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, मेटेरियल नेचर एज वेल एज लिविंग एंटिटी, इज एक्चुअली डी वेरी डियर टू मी। तो इस श्लोक में भगवान शिव जी क्लियरली बताते हैं कि जो भी कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण जो सर्वे सर्वा है, जो भौतिक और आध्यात्मिक समस्त जगतों का पालन पोषण करते हैं, उनके भक्त मेरे अत्यधिक प्रिय होते हैं। यानी शिव जी के भक्त भी शिव जी को इतने प्रिय नहीं होते हैं जितने भगवान कृष्ण के भक्त उनको प्रिय होते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था कि हनुमान जी राम का दास है, राम का भक्त है, दास्य भाव में है। तो जब हम हनुमान जी के सामने जय श्री राम का जप करते हैं तो वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, जय हनुमान बोलने से भी ज़्यादा। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव जी के सामने हम ओम नमः शिवाय बोले उससे ज़्यादा वो प्रसन्न होते हैं जब हम उनके सामने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करते हैं। तो हम जब भी भगवान शिव जी के पास जाए हमें भगवान कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, क्योंकि जब हम शुद्ध भक्तों के साथ, शुद्ध भक्त के सामने नाम जप करते हैं ना, तो क्या होता है, हम भक्ति में बहुत तीव्र गति से प्रगति करते हैं। हमारे मन क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि मन में पॉल्यूशन है, तो मन का पॉल्यूशन जो है नष्ट हो जाते हैं भक्ति में प्रगति करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा मन मंत्र मंत्रायते इति मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो जैसे तुलसी देवी के सामने जप करना चाहिए, तो तुलसी देवी के सामने भी हम अगर बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति होते हैं, क्योंकि कलयुग में शुद्ध भक्त बहुत कम है ना, तो ऐसे शिव जी के सामने हम जप कर सकते हैं, तो इस तरह हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और भगवान शिव जी जो है हमेशा वैष्णवों के गुणगान गाते हैं। जैसे आज हम महान वैष्णव भगवान शिव जी के गुणगान गा रहे हैं ना, तो ऐसे शिव जी गुणगान गाते हैं वैष्णवों के। ये प्रमाण है श्रीमद् भागवतम स्कंध 6 अध्याय 17 श्लोक नंबर 27। श्री रुद्र उवाच, दृष्टावत्यासि सुश्रोणी हरेरद्भुतकर्मणः माहात्म्यं भृत्यभृत्यानं निस्पृहाणं महात्मनम्। तो ये घटना तब की है जब गंधर्वों का राजा चित्रकेतु देखते हैं कि भगवान शिव जी कृष्ण कथा कर रहे हैं,
लेकिन पार्वती जी को अपने गोदी में बिठाकर आलिंगन करके कृष्ण कथा कर रहे हैं। पार्वती देवी कौन है? दुर्गा देवी कौन है? उनका एक नाम है महामाया। वो माया है, ये जो जगत है ना ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक माया देवी के अधीन है। लेकिन जो कृष्ण भक्ति करते हैं उनको माया देवी सहायता करती, हेल्प करती है कि भगवत धाम में जाए। लेकिन जो भक्ति नहीं करते हैं उनको माया का मार पड़ती है, तो उनको बहुत दुख कष्ट मिलता है। तो उस समय क्या हुआ, चित्रकेतु राजा विमान से आए थे गंधर्व लोक से, तो उन्होंने देखा कि शिव जी अपने गोदी में पत्नी को लेकर कथा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान शिव ही ऐसा करेंगे तो ऑर्डिनरी लोग क्या सोचेंगे, ऐसा ऐसा बोला। तो इससे पार्वती जी को ऐसा लगा कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया शिव जी का, तो पार्वती जी ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम महान शिव का क्या पोजिशन नहीं जानते, जो ऐसी बातें कर रहे हो, कटाक्ष मार रहे हो, तो जाओ असुर बनकर पैदा हो, ऐसे बोला। तो फिर चित्रकेतु तो महान भक्त है ही भगवान का, उन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया हुआ है, तभी तो शिव जी का दर्शन कर पा रहे हैं। तो फिर वो विमान से उतरे और उतर के माता को प्रणाम किया और बोला, हे माता, आपने जो समझा, मैंने कुछ क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन आपने जो गलत समझा उसके लिए भी मुझे क्षमा करें, और आपका जो श्राप है मुझे, वो मुझे स्वीकार है, क्योंकि ये सब भगवान की इच्छा से ही संभव हो सकता है। भक्त कोई भी वस्तु भगवान की इच्छा के बिना होता है ऐसा नहीं समझता है। तो श्राप को काउंटर कर सकते थे, वो उल्टा भी श्राप दे सकते थे, इतना पावरफुल है चित्रकेतु राजा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ना ही ऐसे बोला, ना ही ऐसे गिर गिराया कि मेरा श्राप कम कर दो कम कर दो, ऐसा भी नहीं बोला, उन्होंने स्वीकार किया असुर बनना। तो ये देखकर भगवान शिव जी उनकी ग्लोरीफाई करते हैं कि लॉर्ड शिवा सेड, माई डियर ब्यूटीफुल पार्वती, हैव यू सीन द ग्रेटनेस ऑफ वैष्णवास, बींग सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड हैड हरी, दे आर ग्रेट सोल्स एंड आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ मेटेरियल हैप्पीनेस। लॉर्ड शिव द हजबेंड ऑफ पार्वती टोल्ड हिज वाइफ, माई डियर पार्वती, यू आर वेरी ब्यूटिफुल इन योर बॉडिली फीचर्स, सर्टेनली यू आर ग्लोरियस, बट आई डू नॉट थिंक दैट यू कैन कम्पीट विद द ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ डिवोटीज हु हैव बिकम सर्वेंट्स ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड हैड। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, आप अपार सुंदरी है, आपकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं है, हाँ निश्चित रूप से बहुत सुंदर है पार्वती देवी। तो फिर बोलते हैं शिव जी आगे, लेकिन आपने एक वैष्णव की सुंदरता देखा, एक कृष्ण भक्त की सुंदरता देखा, कि किस सहजता से आपके श्राप को स्वीकार किया, जो इतना भयंकर श्राप है, जैसे किसी ने 100 रुपया चुराया किसी की पॉकेट से और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, मतलब जीवन भर के लिए उसको जेल में रख दिया, बहुत बड़ा श्राप दिया ना, थोड़ा सा गलती किया, तो ऐसा शिव जी बोल रहे हैं, लेकिन आपकी जो सुंदरता है वो वैष्णव की सुंदरता के साथ तुलना नहीं कर पाएंगे। अर्थात वैष्णव कितने सुंदर है, भगवान कृष्ण के भक्त कितने सुंदर होते हैं। तो यहाँ पे शिव जी भगवान कृष्ण के हरि के भक्तों की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं माता पार्वती के सामने। माता पार्वती और भगवान शिव जी, उनके दो पुत्र हैं गणेश जी और कार्तिकेय जी, तो ये दोनों भी देवता है, और कार्तिकेय तो देवताओं के सेनापति है, और गणेश जी को तो भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दे रखा है कि जो भी यज्ञ आदि होगा, पूजा आदि, सबसे पहले बोलते हैं ना श्री गणेश करने का, तो गणेश जी की पूजा होती है। तो आदर्श गृहस्थ परिवार है। अब हम ये जानेंगे कि आदर्श गृहस्थ परिवार एक्चुअली होते कौन है। आजकल की बहुत लोग 16 सोमवार रखती है लड़कियां, लड़के भी व्रत रखते हैं, कि लड़के एक्चुअली लड़के को प्रेयर होता है कि मुझे बहुत सुंदर बीवी मिल जाए, स्मार्ट मॉडल जैसी, और लड़कियों को होता है बहुत हैंडसम एंड रिच, रिच होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे सोचते हैं। तो शिव जी का व्रत भी रखते हैं, तो वो लोग क्या मांगते हैं कि बहुत अमीर मिले, बहुत सुंदर मिले, बहुत फेमस मिले, लेकिन ये प्रार्थना नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि पार्वती जी ने शिव जी से विवाह क्यों किया, क्योंकि शिव जी महान वैष्णव है, हमेशा भगवान कृष्ण की कथा करते रहते हैं, जो बहुत ही मंगलमय है, और उस जीवन में बहुत आनंद है, भगवान की कथा में बहुत रस है, और ये सिर्फ एक भक्त का हृदय ही समझ सकता है। तो
एक्चुअली जो लोग पहले से प्रार्थना करते थे, हे भगवान शिव जी आपको मुझे आपके जैसा पति मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी का तो, शिव जी तो घर में नहीं रहते, सोने का लंका तो शिव जी ने ही बनाया था ना पार्वती जी की रहने के लिए जब विवाह हुआ। लेकिन पार्वती ने कहा कि आप नहीं रहेंगे तो महल में मैं रह के क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ कैलाश पर्वत में ही रहूंगी। जैसे सीता मैया ने राम राम जी को बोला था, नहीं मैं महल में रह के क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ वन में ही चलूंगी। तो ऐसे ही, तो फिर बाद में वो कुबेर को प्राप्त हो गया, फिर कुबेर से छीन लिया रावण ने, फिर रावण को मारकर उसका राजा बनाया राम जी ने विभीषण को। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि मुझे भगवान शिव जैसा महान वैष्णव पति मिले जो मेरे उद्धार का कारण बने, जो हमारे जीवन का जो सेंटर हो वो कृष्ण हो, ताकि हम पूरे परिवार का उद्धार हो जाए। भगवान शिव परिवार जो है सारे के सारे कृष्ण भक्त हैं, सब कृष्ण भक्त हैं। आप सबको मालूम है कि गणेश जी ने ही महाभारत लिखा था, व्यास देव बोल रहे थे, तो एक शर्त था कि वो रुक नहीं सकते थे, तो पेन टूट गया तो एक दांत तोड़कर फिर लिखना शुरू किया, इसलिए एक दंत नाम है उनका। और वो विघ्न विनाशक इसलिए है गणेश जी, क्योंकि गणेश जी के सर पर किसका पाव है, नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान कौन है, कृष्ण का अवतार। तो क्योंकि नरसिंह भगवान जो है समस्त भक्ति विघ्न विनाशक है, और उनका चरण जिसके ऊपर रहेगा वो तो विघ्न विनाशक बनेंगे ही। तो ऐसे आदर्श गृहस्थ परिवार होना चाहिए, और पूरे पूरे परिवार का जो सेंटर है वो होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे परिवार हर संपत्ति भगवान का मानकर कभी भी स्वामित्व नहीं, स्वामित्व का दावा, ऐसे मैं कंट्रोलर हूँ ये मेरा है ऐसा अहंकार आने नहीं देते हैं। तो अगर हमें प्रार्थना करना है, बिल्कुल प्रार्थना करना चाहिए, सभी लड़का और लड़की सभी को एक धर्मात्मा पति और धार्मिक पत्नी के लिए प्रार्थना करना चाहिए। नहीं तो समाज किस लेवल तक जा रहा है आप सबको पता ही है, तो इसलिए ये प्रार्थना जरूर करना चाहिए जो बहुत सिंसियर है। क्योंकि आपके अगर लाइफ पार्टनर गलत मिल गया, आपका जीवन नरक हो जाएगा, नरक हेल, और ये तभी पता चलेगा जब गलत मिलेगा। तो इसलिए सही लाइफ पार्टनर मिले, इसलिए भले ही अभी आपका कम उम्र हो, भले ही 15 साल हो, 16 साल हो, 17 साल हो, अभी से प्रे करना चाहिए ये भगवान मुझे एक कृष्ण भक्त पति मिले या कृष्ण भक्त पत्नी मिले, और आप देखिएगा भगवान आंसर करते हैं। तो ऐसा माहौल आपको पैदा कर देंगे कि आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा जिससे आप भक्ति कर सके। तो भगवान शिव जी जो है वो बहुत ही मर्सीफुल है, बहुत ही मर्सीफुल, इतना मर्सीफुल है कि वो जो भगवान, जैसे भगवान कृष्ण को सुगंधित पुष्प चढ़ता है, जो सुगंधित नहीं है वो शिव जी ग्रहण करते हैं। क्योंकि जब हम भगवान के चरण में पुष्प चढ़ाते हैं ना, उस पुष्प का उद्धार होता है, उस पुष्प को अगला जन्म जो है ह्यूमन लाइफ मिलता है, उनको इतना सारा आप क्रॉस करके नहीं आना पड़ता, भक्ति मिलती है। तो इसीलिए सारा पुष्प का कल्याण होता है इस तरह से, जो सुगंधित पुष्प है वो कृष्ण को चढ़ाते हैं, जो सुगंधित नहीं है वो शिव जी ग्रहण करते हैं, जो देवता है वो कृष्ण ग्रहण करते हैं, जो असुर है, भूत प्रेत पिशाच है, वो शिव जी ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से एक्चुअली भगवान सबका कल्याण करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, ये जो स्टोरी है ये जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में राजा थे तब की है। एक बानासुर, बानासुर प्रहलाद के ही वंशज है, प्रहलाद महाराज का आपने नाम सुना होगा। तो बानासुर जो है एक बार, वो तो बहुत बड़े शिव भक्त है, तो उन्होंने शिव जी को प्रसन्न कर दिया। और वर में क्या मांगा, असुर लोग ऐसे ही होते हैं, उनको युद्ध कर, अगर शक्ति है, 1000 उनका 1000 बाजू था, अगर शक्ति है तो उनको क्या चाहिए, युद्ध करने के लिए कोई चाहिए। तो बोला मेरे साथ युद्ध करके मजा नहीं आता, किसी के साथ युद्ध करके मुझे कोई मेरे पक्कड़ का युद्ध करने वाला चाहिए। तो भगवान शिव जी ने सोचा अरे कितना मूर्ख है ये, फिर भी बोला चल उनका कल्याण करने के लिए, चलो तुमसे भी बहुत बड़े वीर जो है तुमसे युद्ध करने आएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो जब ऐसे बोला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन बानासुर भक्त है तो ये बहुत बड़े वीर कौन आने वाले थे। एक्चुअली बानासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा है, उस समय बानासुर रहते थे आसाम में, तेजपुर के साइड जगह जो एक तेजपुर है, तो वहाँ पे एक अग्नि का गढ़ बना दिया अपनी बेटी के लिए। मतलब चारों ओर से क्या होगा, वो अग्नि का घेराव होगा चारों ओर से,
और उसमें आग जलता रहेगा ताकि परिंदा भी ना घुस पाए, ऐसा आग जलता रहेगा। और फिर जो है कोई भी वहाँ पे पुरुष नहीं एंट्री कर सकते थे, सिर्फ सखियों के साथ उषा रहती थी। तो इतने में उषा, लेकिन बहुत बड़े शिव भक्तिन थी वो भी, तो वो उनको स्वप्न दिया शिव पार्वती जी ने कि ये आपके पति होंगे। तो वो पति कौन थे? कृष्ण का पोता अनिरुद्ध। और स्वप्न जैसे ही टूटा, उषा बहुत परेशान हो गई कि पता नहीं वो कहाँ है वो मेरा पति। तो चित्रलेखा उनकी जो सखी थी, जो मंत्री की ही बेटी थी, वो उनको एक विद्या मालूम था, जो नारद मुनि से ही उन्होंने सीखा था बहुत सारे विद्या, कि किसी भी जगह का वो चित्र बना सकती थी बिना देखे, सारे लोगों का बना सकती थी। तो बोले सखी आप चिंता मत करो, मैं बना देती हूँ। तो सब चित्र बनाया, कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि द्वारका समुद्र के बीचों बीच है, लास्ट में द्वारका का चित्र बनाया। तो द्वारके के चित्र में जब कृष्ण का चित्र बनाया सबसे पहले, तो उषा ने उनको रोका, रुको ऐसे ही दिखते हैं लेकिन ये नहीं है। फिर कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न, जो रुक्मिणी और कृष्ण के पुत्र है, उनका चित्र देख के भी बोला नहीं ये भी नहीं है। तब प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध का जब चित्र बनाया तो बोलते हाँ यही है। तो चित्रलेखा अपने मायावी विद्या से जाकर अनिरुद्ध को ले आए, और महल में अनिरुद्ध और उषा रहने लगे। तो गंधर्व विवाह कर लिया, पति पत्नी की तरह रहने लगे। तो ये बात एक स्त्री को जो मंथरा जैसी ही थी, वानस, उनको लगा कि उषा के लक्षण चेंज हो रहा है, निश्चय कोई पुरुष है, जरूर कोई पुरुष है। तो इसलिए क्या करते हैं, राजा को जाके बोल देते हैं। तो बानासुर आते हैं और आके अनिरुद्ध को वानपास, सांप नागपाश में बंदी बना लेते हैं। और ये खबर जब कृष्णा बलराम को मिलता है, तो द्वारका से बहुत सारे यदु सेना लेकर वो युद्ध करने आते हैं। तो उस युद्ध में एक ही बार चक्र चलाकर एक दो हाथ, दो चार हाथ छोड़कर सब हाथ काट देते हैं बानासुर का। तो बानासुर का हाथ कट गया, बानासुर तो बहुत निसहाय हो गया, युद्ध तो कर ही नहीं पाएंगे। तो भगवान शिव जी की मदद मानते हैं। तो भगवान शिव जी अपने भक्त की मदद करने के लिए वो हरिहर युद्ध बोलते हैं, नहीं तो शिव जी तो महान भक्त हैं ना कृष्ण के, तो क्यों युद्ध करेंगे भगवान हरि के साथ। लेकिन हरिहर युद्ध में एक्चुअली पतित लोगों का भी उद्धार करना था। तो शिव जी क्या करते हैं, समस्त अपने गणों को लेकर आते हैं, और नरक से भी जो ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत सबको लेके आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कृष्ण का दर्शन करके सबका उद्धार हो जाएगा युद्ध में। तो युद्ध में शिव जी हारते हैं, जैसे कि बाद में शिव जी हारते हैं, तो शिव जी प्रार्थना करते हैं कृष्ण से कि कृपा करके आप जो है मानासुर को मत मारिए। कृष्ण ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा मानासुर को, ऐसे में मैंने प्रहलाद को वचन दिया है कि उनके वंशज को मैं मारूंगा नहीं। तो शिव जी ऐसा क्यों करते हैं, ये प्रश्न आता है। एक तो ये पतित जो खुद प्रेत पिशाच से उनका उद्धार करने के लिए, और दूसरा ये स्थापित करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता, कि भगवान श्री कृष्ण जो है पर सर्वशक्तिमान है, इसलिए भी वो युद्ध करते हैं। इसलिए लॉर्ड शिवा जो है वो बहुत मर्सीफुल है, और इसलिए जब हम लॉर्ड शिवा की, जब कोई भी किसी भी तरह से लॉर्ड शिवा से जुड़ते हैं, तो किसी ना किसी तरह से वो कृष्ण भक्त से धीरे धीरे जुड़ जाते हैं। और क्यों लॉर्ड शिवा इतने मर्सीफुल है, क्योंकि वो भगवान के भक्त है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इफ वी सिंपली वर्शिप कृष्णा, कृष्ण भी कहते हैं ना, माम एकम शरणम व्रजा। भागवत गीता के 18वां अध्याय जो है उसमें 66 श्लोक में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी ही भक्ति करो, उसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण ये नहीं बोलते कि सारे देव देवताओं के साथ मेरी भक्ति करो, कृष्ण बोलते सिर्फ मेरी भक्ति करो। सबकी सम्मान करना है, सारे देवी देवताओं का सम्मान करना है, लेकिन अनन्य भक्ति करना है तो कृष्ण की करना है। तो माम एकम कृष्ण बोलते हैं कि देन ऑल द अवतार, कृष्ण के जो भी अवतार है, ऑल द डेमिगॉड्स, जितने भी देवता है, और महादेव तो प्रसन्न होते ही है, और जितने भी देवी देवता है, एवरीथिंग विल बी वर्शिप, क्योंकि भगवान कृष्ण से ही सबका विस्तार हुआ है। जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं, सब लोगों की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग देवी देवता का पूजा नहीं कर रहे हैं। जैसे आप जब वृक्ष के जड़ में पानी देते हैं तो समस्त वृक्ष को पानी मिल जाता है ना, इसी प्रकार कृष्ण की जब आप पूजा करते हैं तो कृष्ण की पूजा से समस्त देवी देवताओं का भी उपासना हो जाती है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका क्लास में आने के लिए। हरे कृष्णा।